दोस्तों, आज की कहानी है दो का बेटा बहू ने एक दूसरे को नहीं बल्कि माँ बाप के विश्वास को दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। शुभम, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मीरा जोर से सिलाकर बोली। सिला तो ऐसे रही हो जैसा खुद सती सावित्री हो। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुमने मुझसे जो वादे किए थे तुम उन पर खरी उतरी? शुभम भी सिला रहा था। शुभम और मीरा की ये दूसरी शादी थी, दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट से एक दूसरे को पसंद किया था। दोनों ने दो महीने तक एक दूसरे से खूब बातें की, अपने मन की संतुष्टि की, दो तीन बार मुलाकात भी की। शुभम ने बताया कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता, उसकी एक ही बेटी है, पहली पत्नी का किसी और के साथ शक्कर था, इसीलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर आओगी तो मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। मीरा ने कहा था कि मेरे पहले पति अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे भी किसी का साथ की ज़रूरत है। अगर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई तो मेरे माता पिता के सिर से एक बोझ उतर जाएगा। दोनों में बातचीत के साथ प्यार बढ़ा और एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगी। मीरा ने शुभम की बेटी को अपनाने का वादा किया। कहा, कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और शुभम के माता पिता की भी सेवा करेगी। दोनों के ही माता पिता का मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस उम्र में आकर यही समझा जाता है कि दोनों समझदार है और अगर एक दूसरे को पसंद करे तो इसी में किसी के बोलने का सवाल ही नहीं उठता। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई। शादी के 4 महीने बाद ही दोनों असलियत की धरातल पर आ गए। शुभम का काम कुछ खास नहीं था, वह तो अपने भाई से अपने परिवार का खर्च लेता था। उसकी कई सारी बातें हवा हो गई। उधर मीरा के वादे भी झूठे निकले। ना तो उससे घर के काम होते थे, उसका शरीर बीमारियों से भरा था। सास ससुर तो उसे फूटी आँख ना भाती और शुभम की बेटी का साथ तो देवरानी जेठानी जैसा व्यवहार करती। आए दिन दोनों में खूब झगड़ा होता। आज भी दोनों बैठे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, तभी सुरोसना जी बोली, शुभ करो तुम दोनों। दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि हमारे विश्वास को धोखा दिया है। तुमने हमें उम्मीद दिलाई कि शायद अब बेटे का घर बस जाएगा, पोती को उसकी माँ का साया मिल जाएगा, माँ के आसर में वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा खर्चा तो बांध ही रखा था, एक और औरत को घर में इसलिए जगह दी कि शायद अब भाई अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। लेकिन तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं मीरा के माता पिता को भी धोखा दिया। इस उम्र में बच्चे इतनी ना समझी करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। आज ही तुम दोनों के घर खाली कर दो, मैं अपने घर में किसी तरह का विवाह नहीं चाहता, ना ही अब हमारी उम्र है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम और ज़्यादा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे इस धोखे से ये सीख तो हमें मिल गई है कि कभी औलाद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक अपना शरीर है खुद सी कमाना है और खुद ही खाना है, कहकर राजेश जी वहाँ से उठकर सल दिए। शुभम और मेरा सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने के लिए